वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ टू कलर डिजाइन। चलिए ये डिजाइन कैसे बनते हैं आज बना के देखते हैं। डिजाइन बनाने से पहले आप सबसे मेरे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए ये दो दो सिलाई की डिजाइन है और 4+1 मतलब पांच पांच फंदे में एक डिजाइन बनते हैं। और ये डिजाइन बहुत आसान है, लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में आप ये डिजाइन अप्लाई कर सकती है। देखिए उसके लिए मैं इसमें फंदा डाल लिया 5+5 करके, आपको जितना फंदा लेना है आप ले लीजिए। तो ये डिजाइन की पहली सिलाई है। तो देखिए डिजाइन की पहली सिलाई में ध्यान दीजिए, पहली सिलाई में मैं दूसरे कलर दो कलर से बना रही हूँ। तो देखिए एक दो तीन ये चार, देखिए चार फंदा मैंने ऑरेंज से बिना एक फंदा स्लीप। फिर से देखिए एक दो तीन चार, चार फंदा बिना एक फंदा स्लीप। देखिए एक दो तीन चार, चार फंदा बिना एक फंदा स्लीप किया। आपको जितनी फंदा लेना है फ्रेंड्स, चार फंदा बिनना है और एक फंदा स्लीप करना है। ये बहुत अच्छा आसान है ये पैटर्न। ये देखिए एक फंदा स्लीप किया, एक दो तीन ये चार, चार फंदा बिना एक फंदा स्लीप। देखिए जितनी फंदे होंगे आपको इसी तरीके से लेना है, चार बिनना है एक स्लिप करना है, फिर से चार बिनना है एक स्लिप करना है, फिर से चार बिना एक स्लिप किया, चार बिना एक स्लिप किया, चार बिना। तो देखिए पहले सिलाई हमारे कंप्लीट हो गया। अब रो नंबर टू, अब टू रो पर देखिए जो हमारे बिना हुआ फंदा है उसको बिनना है। देखिए ऑरेंज कलर से चार फंदा मैंने बिना हुआ है, तो ये चार फंदे को बिनना है और ये जो स्लिप किया हुआ फंदा है इसको स्लीप किया। देखिए जो बिना हुआ फंदा उसको बिनना है और जो स्लीप किया हुआ फंदा है फ्रेंड्स उसको स्लीप ही करना है। ये देखिए बिना हुआ फंदे को बिना, स्लीप किया हुआ फंदे को स्लीप किया। देखिए चार चार फंदा बिना उल्टा तरफ से और ये स्लिप किया हुआ इसको स्लिप ही किया है। ये रो नंबर टू हमारे कंप्लीट हो गया, जो जैसा फंदा था वैसे ही लिया, बिना हुआ फंदे को बिना और स्लिप किया हुआ फंदे को स्लिप किया। देखिए पहले सिलाई रो नंबर टू हमारे कंप्लीट हो गया और जैसे कि आपको मैंने कहा था दो दो सिलाई में एक डिजाइन बनता है। तो देखिए ये ऑरेंज कलर से हमारे दो सिलाई बन गई, अब व्हाइट कलर से बनाऊंगी दो सिलाई। देखिए ये जो हमने चार फंदा ऑरेंज से बिना था, अब तीन फंदा ऑरेंज से बिनना है, व्हाइट से बिनना है, एक दो ये तीन, देखिए तीन फंदा व्हाइट से बिना। अब ये जो व्हाइट है इसको बाहर लाना है और इसको अंदर लाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पीछे से हम सिलाई डालेंगे। देखिए पीछे से सिलाई डाला, अब इसको पीछे से हम बीन लूंगे। देखिए इसको पीछे से बीना, अब ये ऑरेंज कलर का जो है उसको स्लिप इसको इसमें ले लिया। देखिए अब ये छोड़ दिया, अब देखिए इसमें चार फंदा हो गया। अब फिर से यही रिपीट करना है आगे। अब देखिए फिर से एक दो तीन, तीन फंदा बिना। अब देखिए ये व्हाइट को इधर लाना है, ऑरेंज को इधर लाना है। तो देखिए ऐसे पीछे से सिलाई डालेंगे,
देखिए इसको ऐसे ऐसे लिया, अब इसको बीन लूंगी पीछे से। देखिए पीछे से बीना तो हमारे 1 2 3 4 फंदा हो गया। अब ये जो ऑरेंज का है इसको ऐसे पकड़ लेंगे। अब ये दोनों को छोड़ दिया, ये देखिए 4 फंदा बीच में मेरे हो गए। अब फिर से 1 2 3 तीन फंदा फिर से बीना। अभी ये व्हाइट को इधर लाना है, ऑरेंज को इधर लाना है। तो देखिए पीछे से हम ऐसे सिलाई पकड़ेंगे, ये देखिए इसको उठा लिया और ये बीन दिया। देखिए इसको बीना, अभी इस ऑरेंज वाले को जो है इसको ऐसे ले लिया सिलाई में। देखिए अब छोड़ दिया, फिर से 1 2 3 तीन फंदा फिर से बीना। अभी ऑरेंज को इधर लाना है, व्हाइट को इधर लाना है। अगर आपको ऐसा मुश्किल लग रहा है तो आप पीछे से पहले देखिए इस सिलाई को इसमें ले लीजिए और इसको इसमें ले लीजिए। अब ये व्हाइट को बीन दीजिए, देखिए व्हाइट को बीना छोड़ा, अब इसको ऐसे ले लेना। आपको जो आसान लगे वही बनाना। अब फिर से देखिए 1 2 3 ये 4। अब ये सिलाई आप इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये थर्ड रो हमारे कंप्लीट हो गया। फोर्थ रो पर जो फंदा बीना हुआ है उसको बीनना है और जो स्लिप किया हुआ है उसको स्लिप ही करना है। फोर्थ रो उल्टा साइड रॉन्ग साइड में जितना आएगा सबको अभी यही करना है। जो बीना हुआ फंदा उसको बीनना है और जो स्लिप किया हुआ फंदा है फ्रेंड्स उसको अब स्लिप ही करना है। तो देखिए ये ऑरेंज हमारे स्लिप है तो इसको स्लिप किया, व्हाइट फंदे को बीनना है। देखिए व्हाइट वाले को बीनना, देखिए और उल्टा तरफ से उल्टा उल्टा ही बनाना है। अब हर बार यही करना है फ्रेंड्स, उल्टे साइड से बिल्कुल सिंपल है। जो जैसे फंदा बिना हुआ है उसको बिनना है और जो स्लिप किया हुआ है उसको स्लिप ही करना है। देखिए 4 सिलाई बन गई, 4 सिलाई में मेरे 2 डिजाइन बन गए। अब देखिए यही बार बार आपने रिपीट करते जाना है, इसमें कोई नया नहीं है फ्रेंड्स। अब आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं और एक सिलाई बना के दिखा देती हूँ। तो देखिए 1 2 3 तीन फंदा बीना। अब ऑरेंज को इधर लाना है, व्हाइट को इधर लाना है। तो देखिए पीछे से हम सिलाई डालेंगे, ये देखिए इसको सिलाई में ले लिया, अब इसको पीछे से ही बीन दिया। इसको पीछे से बीना, अब व्हाइट वाले को ऐसे इस सिलाई में ले लिया, ये देखिए अब दोनों को छोड़ दिया। अब फिर से 1 2 3 तीन फंदा बिना। अब फिर से ऑरेंज को इधर लाना है, व्हाइट को इधर लाना है। अब इसमें 2 तरीका होते हैं फ्रेंड्स। अब अगर आप चाहे तो इसको देखिए, पहले ऑरेंज को पकड़ा फिर इसको छोड़ के व्हाइट को पकड़ा। देखिए इसको व्हाइट को ले लिया, अभी ऑरेंज को बीना, 4 फंदा हो गए, अब इसको स्लिप किया, ये देखिए। इसमें दोनों तरीका बना सकती है, देखिए फिर से 3 बीना, ये देखिए। आप ऐसा बनाना चाहे तो ऐसा भी बना सकती है, आपको जो आसान लगे फ्रेंड्स। और डिजाइन अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता सकती है। ये
ये देखिए इसको स्लीप किया, अब रॉन्ग साइड में आप ये देखिए मैंने तीन डिजाइन बना के आपको दिखाया। अब रॉन्ग साइड में आपको पता है जो बिना हुआ फंदा है उसको बिनना है और जो स्लीप किया हुआ फंदा है फ्रेंड्स उसको स्लीप ही करना है, और दो दो सिलाई में एक डिजाइन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो दो दो सिलाई की डिजाइन है फ्रेंड्स, पीछे जो फंदा जैसे है वैसे ही बिनना है और जो स्लीप किया हुआ फंदा है उसको स्लीप ही करना है उल्टा साइड में, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने आपको छह सिलाई बना के दिखा दिया, आशा करती हूँ आपको अब डिजाइन समझ में आ गया होगा। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, अब ऐसे ही बनाते जाइएगा तो आपको ऐसे डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा। देखिए कितनी सुंदर डिजाइन है। थैंक यू।